हेलो गाइस, एज यू ऑल नो दैट प्लांट्स गेट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट इज अ क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड वन इज अ फनेरोगैम्स. वी ऑलरेडी हैड डिस्कस द क्रिप्टोगैम्स इन लास्ट वीडियो. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फनेरोगैम्स. फनेरोगैम्स इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स. फनेरोगैम्स इज मेनली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. The first is a gymnosperm and second one is an angiosperm. Phanerogams. Let's see what are the characteristics of phanerogam. Phanerogams are seed-bearing plant. Basically, that's that type of plant that having seed that we call that is a phanerogam. The word phanerogams, basically it divided into two words, that is the phanero and gamos. Phanero means evident and gamos means marriage. It means that there is a fusion of both gamete, that is the male gamete as well as female gamete, that both fuse to form a zygote. Okay, that's why this is also known as the spermatophyta. The word spermatophyta is made up of two Greek words. Sperma means seed and phyton means plant. Means that type of plant having a seed. On the screen we see in the one example, that is an apple. As you all know that apple having a seed. Okay, that's why apple are classified into them. They are into phanerogams. Means they are appeared as a phanerogams. The next is then characteristics as well as feature of phanerogams. Okay, phanerogams differentiate into the plant body divided into distinct root, stem as well as leaves. It means that phanerogams ko well developed root rahenge, well developed stem rahenge or well developed leaves rahenge. They are multicellular eukaryotic as well as chlorophyll containing plant. Matlab हर एक फनेरोगैम्स ये सीड बेयरिंग प्लांट तो रहेंगी, लेकिन उसमें ल्यूस रहेंगे, स्टेम रहेंगे और रूट रहेंगे. दे आर फ्लावरिंग प्लांट. सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स अगर हम डिफरेंस देखते हैं क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स का, तो फनेरोगैम्स के सारे प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहेंगे, जिनमें फ्लावर रहेंगे. दिस हैव वस्कुलर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल झाइलम एज वेल एज फ्लोएम. These are higher terrestrial plant can be found in desert, on mountain or in rainforest. Here the reproductive organ are found in the flower and it is visible. सबसे important चीज़ ये है कि phanerogams में reproductive organ जो है, मतलब inside the flower और in a spermatophyta, ये visible रहेंगे. Okay. The phanerogams is completed into two generation, that is the sporophytic generation and gametophytic generation. ये आपको पता चलेगा कि स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता है, गमेटोफिटिक जनरेशन क्या होता है, ये हमने आने वाले स्लाइड में पता चलेगा. द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड डिप्लॉयड. द गमेटोफिटिक प्लांट्स फेज इज मच रिड्यूस इनटू फनेरोगैम्स. फनेरोगैम्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन और गमेटोफिटिक जनरेशन होती है, जिससे एक फ्लावरिंग प्लांट तैयार होता है. उसमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एज वेल एज वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम होते हैं. Let's we see the classification of phanerogams. It means that on the basis of seed, means on the basis of characteristics of seed. Okay, मतलब seed के characteristics के basis पे phanerogams को दो class में divided किया गया है. एक द gymnosperm और दूसरा है angiosperm. Gymnosperm, ये जो आपके screen पे दिख रहा है, ये है gymnosperm. हम जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मीनिंग होता है नेक्ड. ओके, जो ओपन होता है नेक्ड. और स्पर्मा मीन्स होता है सीड. इट मीन्स दैट दोज टाइप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड, मतलब ऐसे प्लांट जिनकी सीड नेक्ड होती हैं, ओपन अप होती हैं, बाहर की तरफ ओपन अप होती हैं, इसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड कंटेनिंग प्लांट, दिस कॉल्ड अ प्रिमेटिव सीड प्लांट. इसे हम प्रिमेटिव सीड प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहले एंजियोस्पर्म के पहले आए थे जिम्नोस्पर्म, बिकॉज दिस शोइंग सम प्रिमेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. कोन्स बियरिंग सीड एज वेल एज दे हैविंग अ लैक, मीन्स दिस लैक फ्लावर्स, मतलब उसका जो फ्लावर होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, या तो फिर फ्लावर एज सेम, दिस इज नॉट एज सेम एज द एंजियोस्पर्म. ओके, दीज आर वुडी एंड पेरेनियल ट्रीज. ये वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं.
उसे टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्नोस्पर्म का ये है कि ये एवर ग्रीन ट्री रहेगी, मतलब हमेशा ग्रीन स्ट्रक्चर उसका रहेगा। जो गार्डन में हमें साइकल्स देखने को मिलता है या पाइनस देखने को मिलता है, ग्निटम देखने को मिलता है, ये सारे जिम्नोस्पर्म के बेस्ट एग्जांपल है। माइक्रोस्पोर्स आर फाउंड इन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया एज वेल एज माइक्रोस्पोरोफिल, व्हाइल द मेगास्पोर आर फाउंड इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरोफिल। तो ये कोन होते हैं, उस कोन में मेगास्पोर माइक्रोस्पोरोफिल रहते हैं जो कि गमिट फॉर्म करेंगे, मेल गमिट एज वेल एज फीमेल गमिट। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जिम्नोस्पर्म का कि इसमें बहुत मेल गमिट और फीमेल गमिट एक ही प्लांट में अलग अलग स्पोरोफिल पे प्रेजेंट रहेंगे। इन जिम्नोस्पर्म दैट एंडोस्पर्म आर आइदर हैप्लॉइड और अब्सेंट। इसमें डिप्लॉयड एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ये तो एक हैप्लॉइड रहेगा या तो फिर उसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट रहेगा। सिंस जिम्नोस्पर्म आर वुडी दे आर इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट। तो जिम्नोस्पर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमें, हमने जितने भी हम गार्डन्स में हम देखते हैं जो साइकस है पाइनस है सारे जिम्नोस्पर्म है। तो नेक्स्ट वन इधर एंजियोस्पर्म। हमारे यहाँ जितने भी अभी फ्लावरिंग प्लांट दिखते हैं ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म हैं। जो आपके स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत एक जो प्लांट दिख रहे हैं वो रोज प्लांट, वो भी एक टाइप का एंजियोस्पर्म है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एंजियोस्पर्म के। एंजियोस इट मीन्स दैट द इनक्लोज्ड और हिडन, इसे हिडन भी कहते हैं इनक्लोज कहते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर मतलब जिनके सीड इनक्लोज्ड है, नॉट अ फ्लावर, सीड इनक्लोज्ड है, मतलब वेल डेवलप्ड तो सीड है लेकिन वो इंक्लोज्ड है, दैट टाइप ऑफ सीड बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड एज एन एंजियोस्पर्म। दिस आर फ्लावरिंग प्लांट, दिस हैविंग सीड इंक्लोज विद इन फ्रूट, फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक पार्ट प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इसके सीड जो होते हैं, इसका प्लांट जो होते हैं, इसके फ्लावर जो होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फ्लावर अट्रैक्ट द इंसेक्ट, एज वी ऑल नो दैट ऑल फ्लावर अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए हर एक मतलब पॉलिनेशन के लिए हर एक फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बिकॉज दे फॉर्म बोथ गमिट, मेल गमिट एज वेल एज फीमेल गमिट। एग्जाम्पल मेज है, सनफ्लावर है, मैंगो है, बहुत सारे हैं जो सारे एंजियोस्पर्म में बिलोंग, ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट इवॉल्व ग्रुप ऑफ द होल प्लांट किंगडम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा अगर वेराइटीज हमें पाई जाती होगी तो है एंजियोस्पर्म की। दे प्रोवाइड अस विद अ क्रॉप प्लांट दैट आर यूज इन फाउंड इन फूडर प्लांट, दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अदर प्लांट। तो एंजियोस्पर्म जितने भी हम क्रॉप प्लांट देखते हैं सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडोनस एंजियोस्पर्म गेट डिवाइडेड इनटू टू टाइप, द फर्स्ट इज एन मोनोकॉट एंड सेकंड वन इज एन डाइकॉट। इट मीन्स दैट एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप, दैट इज द डाइकॉटिलीडोनस एंड मोनोकॉटिलीडोनस। प्लांट्स मेनली इन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लीव्स और कॉटिलीडोन। तो नंबर ऑफ कॉटिलीडोन, इफ द सिंगल कॉटिलीडोन इज प्रेजेंट दैट थिंग इज कॉल्ड एज मोनोकॉट, और दो अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम डाइकॉट कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट, दे आर एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट विच आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटिलीडोन इन द सीड। उसमें जो वेनेशन होती है पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन मतलब हमें मैथ में पता है कि पैरेलल लाइंस होती हैं, इसे हम पैरेलल कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें जो वेनेशन होता है प्लांट मोनोकॉटिलीडोनस के लीफ में, ये पैरेलल वेनेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, उसमें जो सेपल्स होते हैं और पेटल्स जो होते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सेपल्स और पेटल्स ये पेंटामेरस रहेंगे, पेंटामेरस रहेंगे। जो कॉटिलीडोन है सिंगल प्रेजेंट रहेंगे, पैरेलल वेनेशन लीव प्रेजेंट रहेंगे, प्राइमरी रूट प्रेजेंट रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी रूट की हम देखेंगे अगली स्लाइड में। ओके, टिश्यू सिस्टम जो है जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहती है, ग्राउंड टिश्यू अक्यूर्स रहते हैं, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। उसके वस्कुलर बंडल जो दिख रहे हैं, ये जो वस्कुलर बंडल हैं ये फैले हुए रहते हैं। कैम्बियम इज अब्सेंट, इसमें जो कैम्बियम होता है वस्कुलर बंडल जो होता है वो क्लोज्ड होता है। दैट्स ऑल अबाउट द मोनोकॉट। और जो डाइकॉट की हम बात कर रहे हैं, तो डाइकॉट में इसमें दो कॉटिलीडोनस प्रेजेंट रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये पेंटामेरस और टेट्रामेरस रहेंगे, मतलब फ्लोरल पार्ट में पाँच और चार मतलब सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट रहेंगे। पोलन ग्रेन कॉमनली हैव थ्री जंप पोर्स, इसके पोलन ग्रेन में तीन जंप पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन रहेगी, जो कि हम जितने भी
डाइकोटिलीडोनस देखते हैं, पी प्लांट देखते हैं, ये सारे इनके जो लीफ रहते हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन रहते हैं और इसमें एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट रहेगा। इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेट्रिसेर, पीथ, ये सब कुछ कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। वस्कुलर बंडल ऑफ द स्टेम अरेंज्ड इन अ रिंग, ये रिंग में वस्कुलर सिस्टम वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे। वेसिकल्स आर पॉलीगोलन इन आउटलाइन, तो आउटलाइन में वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। इफ यू सीन द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स अ पैरेलल वेनेशन जिज आर फाउंड इन मोनोकॉट एंड दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन फाउंड इन डाइकॉट। वस्कुलर बंडल्स यूजुअली कॉम्प्लेक्सली अरेंज, ये कॉम्प्लेक्सली अरेंज रहेंगे मोनोकॉट में। डाइकॉट में आप देखोगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज रहेंगे। ये देखिए, ये दोनों का ये जो डिफरेंस है ये वस्कुलर और रिंग अरेंज में प्रेजेंट रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मोनोकॉट में ये फाइब्रस रूट प्रेजेंट रहेंगे। क्लंच में मतलब जैसे हम ग्रास के हम रूट देखते हैं फिर बंच में रूट प्रेजेंट रहते हैं, और डाइकॉट में आप देखो तो टैप रूट प्रेजेंट रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द फनेरोगैम्स। थैंक यू।